इस गेम के जो रूल्स होते हैं तुम उन रूल्स के मुताबिक नहीं खेल रहे, तुम्हें बातें भी करनी चाहिए साथ में। क्या तुमने कभी किसी की जान ली है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो तुमने पहली बार चोरी चोरी कब की थी यही पूछ रहे हो ना? शायद घर के लिए बिजली चोरी की थी मैंने। मैं चाहता था कि मेरी बीमार माँ बिस्तर पर पड़े पड़े टीवी देखे और मैंने स्ट्रीट लाइट से बिजली ली और फिर उसका झटका इतनी जोर से लगा कि मेरी जिंदगी की गाड़ी ट्रैक पर आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? बस बढ़िया चलता रहा। तुमने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया? उतना तो नहीं जितना खुद को पहुंचाया। मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में कुछ बताओ दोस्त। अगर ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब तुम अभी तक ढूंढ ही रहे हो? मैंने जिंदगी भर सिर्फ सही करना चाहा ज़हीर, मेरे शब्द ही मेरी इज्जत थी और मेरी ईमानदारी मेरी कमजोरी। मैंने कभी झूठ नहीं कहा। तुम ऐसे इकलौते इंसान हो। हाँ मैं ये बात जानता हूं, मैं थोड़ा आउटडेटेड हूं। अरे नहीं ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि दरअसल मेरा दुश्मन मुझे मेरी ईमानदारी से मारकर चला गया। अब और क्या कहूं मैं? शैतान बनना और गलत काम करना बहुत ही आसान है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही मुश्किल है। उस शैतान को मैं उसकी जगह पर भेज कर ही रहूंगा ज़हीर, जहन्नुम में। जिंदगी के साथ सौदेबाजी करोगे तो उतने ही गंदे होगे। मतलब अंधेरे में कभी अच्छाई नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या ये बजा सकते हो तुम? बजाना तो अपना काम है, तुम्हें नहीं पता क्या इस बारे में? तुम्हारा कोई खास गाना है तो बताओ। मुझे अपनी तकलीफ दे दो, मुझे खुद को लौटा दो, तुम ही मेरा दर्द हो, तुम ही मेरी दवा, रहने दो मुझे अपने साथ सदा। अब तुम कुछ गाओ। हाँ आता है। यारी दर्दीन दर बना दरमान मोलायम सेनी, yarın derdini ver bana, dermanım olayım seni. Bülbül gibi cemaline aşığın olayım seni. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Sarhoşuma yıktır beni, mestanın olayım sen. Can kuşunu bana uçur, aşk elinden bade içir. Can kuşumu sana uçur, aşk elinden bade içir. Hırka yine şaldan geçir,
üryanın olayım sen. Hırka ile şaldan geçir, üryanın olayım senin. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Serhoşuma yıktır beni. Nihan, तुम ठीक हो ना? मुझे पता नहीं, क्या तुम अभी भी आवाजें सुनती हो? मैं उन्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। ये कब शुरू किया? जब तुम इतने सालों बाद लौटे। क्या केमाल ने मेरी रिक्वेस्ट के बारे में तुमसे कुछ कहा? नहीं। लगता है मैंने उसे बहुत परेशान कर दिया था। नहीं अंकल, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने बस उसे वो कहा जो आपकी नजरों में सही था। शायद ये तुम्हारे और मेरे लिए सही है। तुम्हें क्या लगता है, ये केमाल के लिए सही नहीं है? जानती हूँ अंकल, लेकिन केमाल भी इसे सही मानने लगेगा। वो महसूस करेगा कि यही उसके लिए सही है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या है? निहान के साथ उसका जो रिश्ता है वो सच्चा प्यार नहीं है अंकल। वो दोनों किसी वजह से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। और ये वजह क्या है? मैं नहीं जानती, लेकिन ढूंढ लूंगी। किस तरह से? कुछ समझदार लोगों से बात करके। देखो बेटी, कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से सोचना। कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हें तकलीफ हो। चिंता मत करिए अंकल, इस कहानी के अंत में आपकी बेटी दुखी नहीं होगी। तुम जो चाहते थे वो मैं ले आई। थैंक यू। क्या तुम्हें यकीन है? तुम चिंता मत करो। देखो ये खतरनाक नहीं है, मैं बस श्योर होना चाहता हूँ। क्या ये तुम्हारी मदद करेगा? हाँ, ये मेरी मदद करेगा और यही सबसे बेस्ट तरीका है। निहान, निहान, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जरूर, क्यों? एमिर के बाल चाहिए। क्या? केमाल, मैं जानती हूँ तुम रोमांटिक आदमी हो, लेकिन ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मजाक मत करो। तुम्हें साइड से बाल चाहिए या सर के पीछे से बाल चाहिए? बस बाल चाहिए ताकि डीएनए के लिए इस्तेमाल कर सके। तुम्हें अमीर का भाई मिल जाएगा। उम्मीद तो है। तुम ये जानते हो कि तुम्हें दूसरे आदमी के बालों की भी जरूरत पड़ेगी। बाल होना जरूरी नहीं है। ठीक है मिस्टर, सब जानते हैं, घर में तुम्हारे पास कोई सस्पेक्ट तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? पूछो पूछो, और सवाल पूछो मुझसे। तुम किसके बारे में सोच रहे हो? तूफान। तूफान? लेकिन वो एमिर का खास आदमी है। कभी कभी हम जिसे ढूंढते हैं वो हमारे बगल में ही होता है। कम से कम वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, मैं क्या ढूंढूंगी, मैं कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ। तो वो फुटेज की तुम्हें लीड नहीं चाहिए, ऐसा कह रही हो तुम? चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा इंतजार? ये सब खत्म होने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। सच कह रही हूँ। तुम्हें याद दिला दो, हमने ये शुरू साथ में किया है और खत्म भी साथ में करेंगे। इफ्साने। जी सर।
थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके सर। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम इस घर में लौट कर नहीं आ सकते। तुमने तो ये भी कहा था कि मैं लौट आऊंगा और तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा, लेकिन मैं यहाँ शांति से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लेकिन तुम लौट कर आ गए। नहीं, मैं नहीं आया, मैं बस ये कहने आया हूँ कि मुझे तलाक चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ विल्दान, तुम्हारे बगैर मेरे लिए एक दिन काफी था अपनी जिंदगी को देखने के लिए। मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं मैं। क्या तुम मुझे धमकी नहीं दोगी? अगर तुमने मुझे डिवोर्स दिया तो जानते हो ना, तुम्हें अपनी कंपनी भूलनी पड़ेगी। मैं तो भूल ही चुका था उस कंपनी के बारे में। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैं बिल्कुल कर सकता हूं ऐसा। शादी की तरह डिवोर्स भी म्यूचुअली होना जरूरी है। हम और ये काम तुम्हारे साथ मेरा आखिरी काम होगा विल्दान। ऑर्डर, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। कोशिश करना चाहती हो? कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इतने सालों बाद मुझे डिवोर्स देकर तुम लैला के पास लौटते हो या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लैला मुझे ऐसी उम्मीद कभी भी नहीं देगी। लेकिन तुम्हें यह बात जानना चाहिए कि अगर उसने मुझे उम्मीद दी होती तो मैं उसके साथ जरूर जाता। एनीवेज, तुम्हें बहुत जल्द पेपर्स आ जाएंगे, बस वक्त में आ जाना, बाकी कोर्ट में बात करते हैं। पेपर्स कहाँ है? सब जगह ढूंढो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। सारी पुरानी फाइल्स ले आओ। तोड़ो इसे। गालिब कोस्कूल 1991 से तूफान कानेर के लीगल गार्डियन है। तूफान? हाँ, वो शायद अभी उनके घर पर ही होगा और उन्हें वो नाम वाला डॉक्यूमेंट भी मिल चुका होगा, अभी कंफर्म किया है मैंने। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। आपने डीए को मार दिया, आखिर मुझे उसकी गलती की सजा तो देनी ही थी ना। मुझे लगता है आप मुझे सब बताते हैं, कोई सीक्रेट नहीं रखते, आपके एम्प्लॉइज के बारे में, आपके बारे में, सबके बारे में। आमिर, इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। मेरे डैड कहाँ हैं? क्या हो रहा है?
आपको क्या लगता है आप कब तक ये छुपा पाते? क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने किसी भी पेपर पे कोई साइन नहीं किया है। तुम्हें जो जानना था वो तुम जान चुके हो। इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर जो लिखा है वो देखिए। मतलब वो लड़का जिसे आपने काम पर रखा है वो मेरा भाई है। तूफान मेरा भाई है, ये सच बात नहीं है। जरूर आपके पास इसका भी कोई जवाब होगा पापा। देखो तूफान बस एक सीक्रेट डिपॉजिट है और कुछ नहीं, वो किसी और का बेटा है। सुनो एमर, मेरी बात सुनो, वो बस हमारे सीक्रेट का डिपॉजिट है और कुछ नहीं, समझ में आया? बताइए वो किसका बच्चा है? वो तुम्हारी मॉम का हेल्पर मिसेस नर्सन का बेटा है, आया समझ में? मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब आपने मेरी माँ पर इल्जाम लगाया और एक नौकरानी के साथ बच्चा पैदा कर लिया। बात सुनो, अपने आप को संभालो। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। पिछले 25 साल से आप ये झूठ बोलते आ रहे हैं पापा, लेकिन फिर भी आपने अपने बेटे को फंसाने की कोशिश की। अमित, अमित, ये आपके लिए है निहान मैडम। गॉश, ओ नहीं, वर्कशॉप पे हो? नहीं, मैं लंच के लिए बाहर आई। आजकल एमर जैसी बनती जा रही है। जैसा आपने कहा था, सारे एम्प्लॉयज के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। क्या तुमने उनसे कहा कि ये ब्लड सैंपल्स लीगल प्रोसीजर के लिए है? यस सर। काम शुरू हो गया? हमने डॉक्टर्स को कमरा दे दिया है, काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। मैं भी सैंपल्स दूंगा, तूफान को मेरे पास भेजो। रिजल्ट्स कब तक मिल जाएंगे? 2-3 दिन में। तुम क्या कर रहे हो भाई? मैंने सैंपल्स टेस्ट के लिए दे दिए हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि अमीर तूफान का भाई है या नहीं। हाँ, तो तुम तूफान को टेस्ट कर रहे हो? उस पर यकीन करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। मैं इतना जानता हूँ कि ऐसा कुछ है जो वो कहना नहीं चाहता। मुझे अब पता लगाना होगा कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं। क्या करूं मैं? हमें मिलना होगा। कुछ हुआ क्या निहान? हाँ,
मेरे पास एक चाबी है जो मैं जानती हूँ कौन सा दरवाजा खोलेगी। लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं करोगी। मुझे एक अननोन नंबर से एक तस्वीर मिली है, उस पिक्चर में एक चाबी थी जो मैंने वर्कशॉप में खींची थी, तो मैं भाग कर यहाँ आई हूँ। कोई हमारी मदद फिर से कर रहा है, या फिर हो सकता है कि ये एक चाल हो। तुम्हें लगता है कि इसका ये तनेर के फुटेज से कोई कनेक्शन होगा? हाँ, मैं वही सोच रही हूँ, मैंने ये एंड्रोलाइन रश को मिस किया। हाँ मैं जानता हूँ तुम काफी मिस कर रही थी। शायद यही कारण है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं तुम्हें इन्हीं चीजों की वजह से कह रहा हूँ निहान, प्लीज तुम अकेले काम करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें क्यों फोन किया होगा? हम इसमें एक साथ है एडवेंचर ऑफ केमाल एंड निहान। काश ऐसा होता कि हम एक कॉफी के लिए तो मिल पाते। हम जहर के वहां मिलते हैं। आपने मुझे बुलाया सर? तुमने अपना ब्लड सैंपल दिया? अभी तक नहीं सर, लेकिन आधे घंटे में मैं जाकर दे दूंगा। हमने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है तूफान, किसी को भी लगेगा कि हमारा खून का रिश्ता है। क्या मैंने कोई गलती की है सर? क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? शायद। हम इतने साल एक साथ रहे लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। क्या मतलब है सर? मैं बस ये सोच रहा था कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स तो ठीक है ना तूफान? मेरे पेरेंट्स नहीं है सर। इंटरेस्टिंग, उनकी आत्मा को शांति मिले। हमें किसी दिन उनके कब्र पर जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि उनकी कब्र कहां है सर। सॉरी टू डिस्टर्ब मिस्टर एमिर, लेकिन डॉक्टर यहां आ गए हैं। उन्हें अंदर ले आओ। आओ तूफान, तुम्हारा भी सैंपल यहीं से दे दो, बैठो। मैं सैंपल ऊपर दे दूंगा सर। उसकी कोई जरूरत नहीं है तूफान, मेरा मतलब है तुम मेरे इतने करीबी हो, तुम भी सैंपल्स यहीं से दे दो। अपना हाथ उठाइए प्लीज। मैं तुम्हें और अच्छी तरह से जानने लगा हूं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता तूफान। आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था सर? मैंने मन बदल दिया, तुम जा सकते हो। रिजल्ट्स कब तक मिल सकते हैं? मार्जिन ऑफ एरर? ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा।